पवन महान ग्रंथ वाल्मीकि रामायण एवं योग विशिष्ट रचनाकार सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के खिलाफ आपत्तिजनक व अपमानित टिप्पणी करने के लिए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्ध चार्य के खिलाफ जिला अधिकारी को सौंपा गया वाल्मीकि समाज के द्वारा ज्ञापन, जिसमें अनेक शर्तों के साथ अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो बड़ी मात्रा में वाल्मीकि समाज रोडों पर उतर आएगा। और जो उन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि जी के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया है तो उसे संपूर्ण वाल्मीकि समाज की धार्मिक आस्था व भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। वाल्मीकि युवा सेवा दल की यही मांग है कि जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए। आज किस चीज को लेकर आपने ज्ञापन दिया? आज जो ज्ञापन दिया है, जो अनुराधाचार्य है मथुरा जिला के, ये कथा चलाते हैं अपनी कथा, और कथावाचक है, यूट्यूब पर इनका चैनल चलता है जिसमें भगवान वाल्मीकि जी के बारे में गलत टिप्पणियाँ करी है इन्होंने और गलत विचार दे रहे हैं वाल्मीकि जी स्वामी के बारे में, जिसमें वाल्मीकि समाज बड़ा आक्रोश है और वाल्मीकि समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा भगवान वाल्मीकि जी के बारे में और कोई टिप्पणी करे। और हम आज जिलाधिकारी महोदय पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, इन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो वाल्मीकि समाज रोडों पर उतर के आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन प्रशासन होगा और वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल करेगा और रोडों पर उतर के आंदोलन करेगा, इसकी जिम्मेदार स्वयं सरकार प्रशासन होगी। दरअसल जो मथुरा वृंदावन के एक प्रचारक हैं, धर्म प्रचारक अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने सृष्टिकर्ता वाल्मीकि दयावान के खिलाफ अनगल बयानबाजी करी है अपने प्रचार के दौरान और उनको गलत बताया है। हम ये पूछना चाहते हैं उससे, अगर उसने धर्म की किताबें पढ़ी हैं तो हमें एक बात बता दे कि भगवान वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, उसके माता पिता कौन थे, उन्होंने उनकी परवरिश किसने की थी। ये गलत तरीके से कि उन्होंने अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए जो है लूट खसोट का काम किया था, एक भगवान के ऊपर जिन्होंने वाल्मीकि रामायण नहीं बल्कि योग विशिष्ट की भी रचना करी, अक्षर ग्रंथ की भी रचना करी, ऐसे महान ग्रंथों को लिखने वाले व्यक्ति के लिए, महापुरुष के लिए ये अनगल बयानबाजी करके हमारे धर्म को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाएगा और वाल्मीकि समाज में आक्रोश है इस बात का काफी। ज्ञापन के माध्यम से क्या अपनी मांग रखी है? ज्ञापन के माध्यम से हमने डीएम साहब से कहा है, एसडीएम साहब ने जो है चतुर्थ हैं, उन्होंने ज्ञापन लिया है और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं डीएम साहब के समक्ष रखूंगा और जो उसमें लिखा है हमने उसमें मुकदमा खिलाफ होना चाहिए उसके प्रचारक के खिलाफ, SC ST का और अन्य धाराओं में भी जो इतनी देर तक प्रचार कर रहा है और लोगों को जो है गलत संदेश देकर अपना धंधा बना रहा है, पैसे इकट्ठे कर रहा है और पैसे कमाने का ये काम कर रहा है, आंदोलन करेगा, आप शांत नहीं बैठेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ आंदोलन होगा। हम 15 दिन का टाइम और दे रहे हैं इनको और अभी थाने में भी हम अपनी FIR दर्ज कराएंगे, अगर उसके खिलाफ FIR नहीं हुई तो सख्त आंदोलन किया जाएगा।